हेलो फ्रेंड्स, चटपटी रसोई विद कविता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चार तरह की भिंडी। जी हाँ, मसाला फ्राई भिंडी, आलू भिंडी, भरवा भिंडी और तही भिंडी। बहुत ही टेस्टी लगती है और जब कोई मेहमान आए ना, आप इसको साइड सब्जी में बनाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और बहुत आसान है ये बनाना। मसाला भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो भिंडी ली है। उनको अच्छे से धो के पोंछ के और इस तरह से मैंने काट लिया है। आप इसको किसी भी साइज़ में काट सकते हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ इंग्रेडिएंट्स, जो कि यहाँ पे मैं एक प्याज ले रही हूँ और वो मैं इस तरह से लंबी लंबी काट लूँगी। तो इस तरह से जब हम प्याज को काटेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी, देखने में भी और खाने में भी दोनों तरीके से मज़ा आने वाला है। तो बस एक प्याज तो मैं इस तरह से काट लूँगी बिल्कुल लंबी लंबी, ये देखिए बस इस तरीके से। और जब ये हमारी कट जाती है ना तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम खोल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो बस सारी प्याज को हम इस तरह से खोल लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ दूसरी प्याज, इसको हम एक कंटेनर में रख लेंगे और बस इसको हम अलग रख देंगे। इसके बाद मैं एक प्याज और ले रही हूँ और वो मैं थोड़े से मोटे पीस में काट लूँगी, थोड़ा सा बड़ा साइज़ होना चाहिए। जैसा आप ज़्यादातर छोंक में यूज़ करते हैं ना, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा कर दिया है। तो बस इस तरह से हम वो आधी बची हुई भी प्याज इस तरह से ही काट लेंगे। तो आज हम प्याज छोंक में अलग से डालेंगे और लास्ट में हम थोड़ी सी और ऐड करेंगे ताकि हम ये खाने में और देखने में दोनों में अट्रैक्टिव लगे। तो ये भी हम एक कंटेनर में अलग से निकाल लेंगे और बस इसको भी हम साइड में रख देंगे। और इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर 6 से 7 कलियाँ मैंने लहसुन की इस तरह से काट ली हैं लंबी लंबी, और आधा नींबू और एक टमाटर मैंने इसे रफली सा काट लिया है मोटा मोटा, और एक मैंने इस तरह से लंबा लंबा फांक में काट लिया है। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च काट ली है। तो बस अब हम शुरू करते हैं बनाना। तो गैस के ऊपर हम फ्राई पैन रखेंगे और उसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो ऑयल मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब हम इसमें ना हींग डालेंगे और हींग अच्छे से पक जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच जीरा, और जीरे को हम अच्छे से पका लेंगे। जब हमारा जीरा अच्छे से भुन जाएगा ना तब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन की कलियाँ जो हमने बारीक काटी थी, और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा जो लहसुन है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो यहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो लहसुन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, वो पक गया है। अब इसमें जो हमने रफली प्याज काटी थी मोटी मोटी वो मैंने इसमें डाल दी है, और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसका हम कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी लंबी वाली प्याज नहीं काट डाली है, इसमें मैंने मोटी वाली डाली है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक हमारी प्याज भी थोड़ा सा इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो इसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च जो हमने काट ली थी। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पे वो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे वो टमाटर डाल लिया है मोटे जो काटे थे मैंने रफली, और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हमारे ये टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। तो थोड़े से सॉफ्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से हमारी सब्जी तो बहुत टेस्टी बनती है। और 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो अपने जो हमारे मसाले हैं ना उनको हम लगातार चलाते रहेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर। तो जब हमारे ये मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में, ये देखिए इस तरीके से, तो बस अब इनको हम जो हमारे टमाटर हैं वो अभी थोड़े सॉफ्ट नहीं हुए हैं तो इनको हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट बाद जब हम चेक करेंगे तो देखिए टमाटर बिल्कुल हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा मैश करते हुए इसमें हम भिंडी डाल देंगे जो हमने काट ली थी। तो भिंडी आप कोई भी साइज़ की काट सकते हैं, मोटी पतली जो भी आपको साइज़ पसंद हो। तो भिंडी हमने डाल ली है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे लगातार इस तरह से चलाते हुए। तो जब तक कि हमारा ये सारा मसाला भिंडी में अच्छे से मिलना जाए, तो बस इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम आप लो से मीडियम ही रखिए, इसको हम ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। तो बस अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे।
तो 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद देखिए जो हमारी भिंडी है वो सॉफ्ट हो चुकी है, देख रहे हैं कलर भी चेंज हो चुका है और ये जब हम इसको प्रेस करते हैं तो भी ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने एक लंबी प्याज काटी थी ना बस, और वो टमाटर जो हमने काटा था। तो बस अब हम क्या करेंगे इसको बिल्कुल लास्ट स्टेज में हम डालेंगे, क्योंकि हमारी जो भिंडी है वो अच्छे से पक चुकी है और हमको ये दोनों चीज़ें सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये हल्का सा इसमें कच्चापन रहे और इसका कलर भी बहुत सुंदर आता है। तो 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के छोड़ दूंगी और 1 से 2 मिनट बाद हम इसको जब चेक करेंगे तो देखिए जो हमारी प्याज और जो हमारे टमाटर है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब इनको हल्के हाथ से इस तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे। तो गैस हमारी बन चुकी है और हम इसमें 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें हरा धनिया गार्निश करेंगे। तो रेडी है हमारी भिंडी की सब्जी, देखिए। तो बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पे लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हमारी सब्जी जो है भिंडी की बनके तैयार हुई है। एक बार आप इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझको बताइए कि आपको ये वाला जो टेस्ट है भिंडी का कैसा लगा। आप इसको रोटी के साथ या पराठे के साथ, लच्छे पराठे के साथ खाइए, इसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। या नान के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया हमारी ये भिंडी बनके तैयार हुई है। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर भिंडी को अच्छे से धो लिया है, पोंछ लिया है और इस तरह से मैंने काट लिए हैं। ये कुल मिला के 400 ग्राम भिंडी है और ये देखिए इस तरह से मैंने इसके पीसेस में इसको काट लिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के आलू और वो मैंने इस तरीके से पीसेस में काट लिए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया है, आप चाहे पेस्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, वो हम इस तरीके से इसको काट लेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं, उनको मैंने बारीक से पीस लिया है, आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी इसकी प्योरी बना सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे गैस ऑन करेंगे, हम पैन रखेंगे और मैंने यहाँ पे सरसों का तेल चढ़ाया है। सरसों के तेल में बनी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है। थोड़ा सा हम इसमें हींग ऐड करेंगे, जब हमारा हींग अच्छे से पक जाए तब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसको हम 1 से 2 बार अच्छे से मिला लेंगे। प्याज को हमें पूरी तरह से पकाना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने देना है। तो ये देखिए बिल्कुल ये थोड़ी सी पक चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी है इसमें और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए आलू, वो भी हम इस तरह से इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर। और यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की जो फ्लेम है उसको लो टू मीडियम रखेंगे। अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर और इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है लेकिन इससे हमारी सब्जी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे इसको अच्छे से आलू को पकने के लिए। तो बस इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे और 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद हम यहाँ पे आलू को देखेंगे प्रेस करके, अभी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं यानी हमारे आलू वो पक चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे इसमें भिंडी ऐड कर देंगे क्योंकि भिंडी हमारी जल्दी से नरम हो जाती है और इसको ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है। तो बस अब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे और ये हमारी अच्छे से मिल चुकी है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के छोड़ देंगे ताकि हमारी भिंडी भी अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद हम यहाँ पे अपनी सब्जी को चेक करेंगे तो ये देखिए हमारी बिल्कुल बढ़िया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच इसमें हम आमचूर पाउडर डालेंगे, अगर आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं 1/2। और 1/2 चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा हम इसमें टोमेटो केचप डालेंगे, इससे हमारी जो सब्जी का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो बस अब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से।
तो ये हमारा अच्छे से मिल चुका है। बस अब हमारे ये जो मसाले हैं वो सारी सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए, तो इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट हो जाने के बाद हम इसको चेक करेंगे, तो फाइनली हमारी जो भिंडी आलू की सब्जी है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम इसे जैसे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको सर्विंग प्रोसेस पे हम चलेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म हमारी भिंडी आलू की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। तो गर्मा भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम भिंडी ली है, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और कपड़े से इनको हम अच्छे से पोंछ लेंगे। तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और बस इसके आगे और पीछे वाली ये जो साइड्स हैं इनको हम काट के अलग कर देंगे। अब हम इनको बीच में से इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे ताकि हम इसमें मसाले की अच्छे से स्टफिंग कर सकें। तो ये हर भिंडी में हम इस तरह से कट लगा देंगे। तो बस ये हमारी इस तरह से हमें सारी भिंडियों में कट लगा लेना है। तो ये लीजिए हमारी सारी भिंडियाँ तैयार हैं। अब हम इसके स्टफिंग का तैयार करते हैं मसाला। तो गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रख के मैंने इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में बना खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। और जब हमारा हींग अच्छे से पक जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो लहसुन की मैंने 7 से 8 कलियों को अच्छे से पीस लिया है और इसका इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। तो ये हमारा अच्छे से पक चुका है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच बेसन और इसको हम अच्छे से लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। तो बेसन को हमें यहाँ पे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो यहाँ पे हमको जो गैस की फ्लेम है उसको बिल्कुल हाई या मीडियम नहीं करना है, बिल्कुल लो पे ही हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। इसको हमें लगने नहीं देना है, बस इसको लगातार चलाएंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो देख रहे हैं आप, बेसन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और हमारा बेसन जो है वो अच्छे से हमारा भून चुका है। इस तरीके से आप भिंडी बनाइए, आपकी जो भिंडी है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने देंगे। जब हमारा ये अच्छे से नॉर्मल हो जाएगा तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच इसमें मैं हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच इसमें हम आमचूर पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला और बस अब हम इनको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। जब भी आप इसमें ये मसाले डालें तो हमारा जो ये बेसन का मिक्सचर है वो नॉर्मल हो जाना चाहिए, यानी कि बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। और बस अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो इसमें थोड़ा सा हम सरसों का तेल डाल के इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम स्टफिंग करते हैं भिंडियों में। तो बस एक भिंडी लेंगे और इस तरीके से हम इसको इसमें इस तरह से डालेंगे मसाले को और बाकी की भिंडी में हम इसी तरह से सारे मसाले को भर के हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और इसी तरीके से हम सारी भिंडियों में मसाला बन के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी जो सारी भिंडियाँ हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और अब हम गैस ऑन करेंगे और इसमें हम पैन रखेंगे। और अब मैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ और अब हम इसमें लो फ्लेम करके जब हमारा तेल अच्छे से पक जाए तो गैस की फ्लेम को लो कर लें और जितनी भी हमारी ये स्टफिंग भिंडी है वो सारी हम इसमें रख लेंगे। और बस लिड लगा के इसको हम पकने देंगे लो से मीडियम फ्लेम पे। तो बस बीच बीच में से हम इसको चेक करते रहेंगे और जब एक साइड से अच्छे से सिक जाए तो हम इसको हल्के हाथों से इस तरह से पलट लेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को बड़े ध्यान रखना है कि ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी जो भिंडियाँ हैं वो जल जाएंगी और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो बस ये प्रोसीजर आप लो मीडियम फ्लेम पर ही करें। तो ये हमारे अच्छे से पलट लेंगे हम इन सारे को, फिर से लीड लगा के इसको हम छोड़ देंगे और इसी तरह से हम बीच बीच में इसको चलाते हुए इस तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो बस ये देखिए 5 मिनट बाद हमारी जो भिंडी है वो अच्छे से पक चुकी है, और चलते हैं इसको सर्विंग के लिए। तो बस इसको हम नीचे उतारेंगे और अब हम यहाँ पे इसको सर्व करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया लग रही है हमारी ये भिंडी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़े की हमारी ये भिंडी बनके तैयार होती है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो बस भिंडी हमारी तैयार है और अब हम इसमें फाइनली आधा नींबू का रस इसमें हम डाल देंगे और हमारी ये चटपटी सी भिंडी बनके तैयार हो गई है। तो दही भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम भिंडी ली है, उनको मैंने अच्छे से धो लिया है और कपड़े से पोंछ लिया है ताकि इसमें पानी ना रहे। अब हम भिंडी की ये दोनों आगे पीछे की जो किनारे हैं ना, इसको हम काट के अलग कर लेंगे, और अगर आपकी भिंडी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है तो इसको हम बीच में से काट करके हल्का सा इसमें कट लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का इसमें आप कट लगा लीजिए, क्योंकि जब हम इसमें जो अपना मसाला डालेंगे ना तो वो अंदर तक इसमें जाए। तो बस ये भिंडी हमारी सारी कट चुकी है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। गैस ऑन करेंगे और उस पर हम पैन रखें। यहाँ पे मैंने भिंडी को फ्राई करने के लिए सरसों का तेल डाल दिया है। तो जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसमें हम ये सारी भिंडियाँ इसमें डाल देंगे। तो इन भिंडियों को हमको 60-70% तक अच्छे से सॉफ्ट कर लेना, यानी कि पका लेना है। तो हमारी जो भिंडी है फिर बाद में हमें से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मसाले में ये अच्छे से कोट हो जाएगी। तो बस यहाँ पे हमें इसको इस तरह से एक दो बार हिला लेना है, इस तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमने अच्छे से भिंडी को उलट पलट कर लिया है, तो ये देखिए। और बस अब हम इसको क्या करेंगे, 3-4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक के छोड़ देंगे। 3-4 मिनट हो जाने के बाद हम देखेंगे, तो ये देखिए भिंडी जो हमारी है बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है और ये हमारी सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो इसको आप हल्के से प्रेस करके भी देख सकते हैं कि ये हमारी सॉफ्ट हुई है या नहीं। बिल्कुल हम इसको सॉफ्ट नहीं करना है, बस 60-70% ये सॉफ्ट होनी चाहिए। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको 1-2 मिनट और हम इसको चलाएंगे। तो ये हमारी अच्छे से हो चुकी है, गैस बंद करेंगे और इसको हम एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। तो ये सारी भिंडियाँ हम अलग से हमने प्लेट में निकाल ली हैं और अब हम इसी ऑयल में अपना मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, थोड़ा सा इसमें हम हींग डालेंगे और जीरे को हम अच्छे से पकने देंगे। जब हमारा जीरा अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें बाकी का सामान डालेंगे। तो यहाँ पे गैस की जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम कर ली है और बस अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे 3 प्याज का अच्छे से यहाँ पे प्योरी बना ली है, यानी मिक्सी में इसको अच्छे से मैंने पीस लिया है। अगर आप इसका पेस्ट बनाएंगे तो हमारी जो सब्जी है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो बस अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने डाला है 2 साबुत हरी मिर्च। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो बस अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया है और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ इसको अदरक में भी इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। तो बस अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, यानी कि इसका कच्चापन हम निकाल लेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए इसका कलर जो है वो लगभग चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मसाले इसमें डालने से हमारी जो सब्ज़ी है उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्ट को भी निखारता है। तो बस अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, यानी स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल सकते हैं कम ज़्यादा। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक बढ़िया सा कलर देने के लिए अपनी सब्ज़ी को 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है मगर उससे हमारी जो सब्ज़ी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे और अपने मसाले को हम भून लेंगे। तो 2-3 बार इसको हम अच्छे से चलाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। मसाले को जलाना नहीं है, बस अच्छे से हम इसे भून लेना है। तो देख रहे हैं कितना बढ़िया इसका कलर आ रहा है। तो बस इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर की प्योरी। तो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है और बस इसको हम अच्छे से चलाते हुए मसाले में मिक्स कर लेंगे। और बस अब इसको हम अच्छे से पकने के लिए ढक के छोड़ देंगे 3-4 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो मसाले हैं अच्छे से भून जाए। 3-4 मिनट हो जाने के बाद हम इसको चेक करेंगे, तो देखिए तेल जो है वो मसाले से बिल्कुल अलग हो चुका है, यानी कि हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। और बस अब हम इस स्टेज पे इसको हम नीचे उतार लेंगे
और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मसाला दही वाला तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 बड़े चम्मच दही लेंगे। ये मैंने घर का ही फ्रेश लिया है। अगर आपके पास खट्टी दही होगी तो और भी ज़्यादा अच्छा ये मिक्सचर बनके तैयार होगा। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और बस अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसको पैन में ऐड करेंगे। अगर आप इसको गैस में ही चलते में डालेंगे ना तो दही फट जाती है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हमेशा आप गैस के नीचे ही उतार के पैन को तब मिक्स करें। तो बस इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी इस स्टेज पर मैं इसको इस वाले मसाले में डालूँगी और अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो लीजिए ये हमारा दही वाला जो है ना वो अच्छे से हमारे मसाले में मिक्स हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको अच्छे से मिला लेना है। और अब हम इसे गैस पे रखेंगे लो फ्लेम पर और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। इस तरह से हमारी जो दही है वो भी फटती नहीं है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस आप चाहें तो अभी भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं से थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 1/2 कप पानी डाल रही हूँ और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। तो मैंने जार में टमाटर का पेस्ट बनाया था तो उसी में मैंने पानी डाल के इसमें मिला लिया है ताकि हमारी जो टमाटर की ग्रेवी है वो भी वेस्ट ना जाए। और अब हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं तो इसको हम ढक के छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारे जो ग्रेवी है वो बढ़िया से पक चुकी है और इसमें मैंने भिंडी डाल दी है। कैमरा ऑफ हो जाने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो बस अब हमने इसमें भिंडी डाल दी है और अब हम क्या करेंगे इसको अच्छे से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। लगातार इसको हम चलाते रहेंगे। तो बस अभी हमारी 2 से 3-4 मिनट हो जाने के बाद इसको हमारी पक चुकी है। गैस से नीचे उतारेंगे और सर्विंग प्रोसेस पे चलेंगे। तो बस गर्मा गर्म हमारी जो दही वाली भिंडी है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। आप देख ही रहे हैं कितनी बढ़िया लग रही है। आप एक बार इसको ज़रूर बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही यूनिक है। देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया लग रही है। तो इसको आप चाहें साइड सब्जी में भी बना सकते हैं, जैसे दाल चावल छोले चावल जो भी आप बनाते हैं ना उसके साथ गेस्ट को ये साइड वाली सब्जी करके दीजिए, बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अपने ब्यूटीफुल हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।